गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह हो चुका है और आज धूप भी निकल गया है, थोड़ा ठंड कम हो चुका है। तो अब हम चल रहे हैं जिम और कार्डियो करने के लिए। कल तो जिम नहीं आ पाए थे, घर में ही कार्डियो किए थे, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। बट आज सब टाइम से हो गया है, मैंने वीडियो अपलोड पर लगा दिया, अपलोड हो जाएगा 8 बजे तक। तो चलिए अब करते हैं जिम। सो गाइस, कार्डियो कम्प्लीट हो गया और मैं जा रहा हूँ घर, तो मिलते हैं घर में। सो गाइस, मैं घर आ गया हूँ और मैं भी अपना पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। और कल मैं बताना भूल गया आपको, एक गुड न्यूज़ है कि मेरी चारों सिस्टर घर आई है। और रीज़न ये है कि मेरा एक कज़न भाई है, उसका शादी है, तो उसी के लिए सारी सिस्टर मेरी जो है, मेरी चार सिस्टर है और चारों सिस्टर घर आई है। तो आज से मेरे घर में थोड़ा चहल पहल हो गया है, तो थोड़ा बिजी रहूँगा बट ब्लॉगिंग तो करूँगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। तो अब मैं जाऊँगा, प्रोटीन शेक पीता हूँ और अपना मील लेता हूँ। इसलिए ज़्यादा हो गया कपड़ा, हम हमेशा सोचते हैं कुछ नहीं लेके जाए, कुछ नहीं लेके जाए, फिर भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। क्या करे, माँ का दवा है। मेकअप वेकअप थोड़ा होता है, मेकअप ये सब बॉडी बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमारे 70 लाख लगेंगे। अच्छा, 70 लाख इतने तो नहीं है मेरे पास। अरे भैया, कितना टाइम लगा दिया अब तो। शादी करने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। अश्विनी भैया के साथ धोखा हो गया, इन्होंने अपना एक शर्ट खरीदा वाइट शर्ट और ट्रेलर को दिया कि वो टाइट कर देंगे, वो इतना टाइट कर दिए कि ये शर्ट इनका ब्लाउज बन गया। तो अभी जाके ट्रेलर को सुनाने गए हैं और उनसे प्रॉपर शर्ट ठीक करवाएंगे, बट पहन तो पाएंगे नहीं क्योंकि अभी दोनों निकलेंगे। ये देखते हैं क्या दोनों में डील चल रहा है। आगे का बटन लगा रहे तो खुल जा रहा है, छाती इतना बड़ा हो गया, क्या बोलेंगे इनको। तो भैया जा रहे हैं, ऑटो इनको बैठा दिया हम, चलिए बाय भैया। तो हम निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं अपने घर। सो गाइस, ये मेरा लंच टाइम है और मैं लंच में आज 200 ग्राम वाइट राइस ले रहा हूँ विथ हल्का सॉल्ट के साथ ले रहा हूँ, और इसके अलावा और कुछ मैं नहीं ले रहा हूँ फिलहाल अभी। सो गाइस, जिम आ चुके हैं और अब हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट। घर में शूट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा पसारा हो रखा था, तो बिखरा पड़ा हुआ था सामान हर जगह, तो शूट करने का मन भी नहीं किया और वहाँ शूट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था घर में। अब हम जिम इंटर कर चुके हैं तो अब हम करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। एक अच्छा वर्कआउट दिखाता हूँ मैं आपको, तो चलिए शूट करते हैं।
बस वर्कआउट कंप्लीट हो गया और मैं अब घर जा रहा हूँ। तो अब जाके अपन मील लेता हूँ, लास्ट जो पोस्ट वर्कआउट मील है, और उसके बाद मैं आपसे घर में बात करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील एंड डिनर दोनों ले लिया है और अभी बज रहे हैं 12:30, और अभी जाके मेरा ईटिंग कंप्लीट हुआ है और अब वक्त है शॉर्ट आउट देने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेग डे विथ मेंस वीक में सबसे पहला कमेंट और यही एक कमेंट आया है इसमें, लेग मसल गेन करने के लिए कुछ टिप्स मेरे लिए अजीत, और ये कमेंट किया है अभिषेक भैया ने। तो लेग ग्रो करने के लिए एक टिप्स मैं आपको दूंगा कि फ्री स्क्वाट जितना हो सके मारिए। फ्री स्क्वाट मारने से ओवरऑल लेग का साइज भी ग्रो होता है, प्लस लेग में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आता है। तो अभी तो फिलहाल मैं एक ही टिप्स दूंगा, आने वाले वीडियोस में मैं और दूसरा टिप दूंगा। 40 kg डंबल जो है मैं मारते हुए शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसमें एक कमेंट आया है एक्सलेंट, तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप कमेंट कर रहे हैं, अपने प्रीसियस टाइम से कुछ सेकंड्स निकाल के कमेंट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच दिल से आपको। इसी तरह कमेंट कीजिए, मुझे बढ़ावा दीजिए और मैं इसी तरह आपको शॉर्ट आउट देता रहूँगा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।